हमारा लास्ट एग्जांपल, लास्ट लेक्चर का जो था वो हम इस तरह से दे रहे थे। हमारे पास एक S1 एक सर एक स्क्वायर था, हमने एक S2 लिया जो उससे छोटा था, S3 और भी छोटा। यहाँ पर इसकी लेंथ A1 थी, यहाँ पर A2 था जिसे हम A1/2 बोलते थे, यहाँ A3 और जिसको हमने बोला था A1/2 स्क्वायर, S4 और छोटा इससे विथ लेंथ A4, A1/2 क्यूब, और ऐसे हमने डिफाइन किया था SN। और जहां पर लेंथ AN जो है, लेंथ ऑफ साइड AN, दैट वाज गिवन बाय A1/2 to the power N-1। हमने देखा एज N गोज टू इंफिनिटी, एज N गोज टू इंफिनिटी दिस एरिया एरिया ऑफ SN, दिस इज गिवन बाय A1 स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर N-1 × 2, दिस विल गो टू जीरो। इसका मतलब जैसे जैसे N इंफिनिटी को जा रहा है हमारा एरिया जीरो के करीब जा रहा है। N जितना बड़ा होता जा रहा है N AN छोटा होता जा रहा है और वो जीरो के करीब जाएगा। जीरो के इतना पर हम जीरो के उतना करीब जा सकते हैं जितना हम चाहते हैं, लेकिन वो जीरो नहीं हो रहा। अब ये एक डिस्क्रीट नेचर का एग्जांपल है। यहां पर हमने देखा A1 के बाद हम A1/2 में आए, फिर उससे A1/2 स्क्वायर में आए, छोटा हो रहा है लेकिन वो डिस्क्रीट नेचर का है। अगर हम इसे ही फंक्शन के फॉर्म में देखें, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, मान ले हमारे पास एक्स लेंथ ऑफ स्क्वायर है, उसको एक्स माने, और हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स विच इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर। देखो यहां पर क्या हो रहा था, ये लेंथ ऑफ साइड था A1, इसका एरिया जो A1 होगा वो A1 स्क्वायर था। वही चीज हमने यहां पर फंक्शन के फॉर्म पर लिखा एफ, जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब भी हम वैल्यू एक्स लेंगे वो उसका एक्स स्क्वायर बनाएगा। मीन्स ये एक्स डिनोट करता है लेंथ ऑफ साइड को, और ये डिनोट कर एफ एक्स जो वैल्यू देगा वो एरिया ऑफ स्क्वायर। इस फंक्शन के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने पहले क्लास में। इसको हम देखते हैं कैसा ये डिनोट करता है। ये सब जानते हैं कि ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और हम लोग इंटरेस्टेड है इस पार्ट में, पैराबोला के इधर वाले पार्ट में। यहां पर क्या हो रहा, देखो A1 A2 A3 A4 A5 जैसे जैसे बढ़ रहा है, एन जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये सब छोटे होते जा रहे हैं। A1 ये A2 A1 से छोटा था, ये A3 A2 से छोटा था, और ये धीरे 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 कहां को जा रहे हैं, जीरो की ओर करीब जा रहे हैं। तो इसका मतलब मैं इस x को, ये हमारा x है, ये fx है, तो ये x कॉमा fx पॉइंट है। इस x को मैं कैसे जीरो के करीब ले जाऊं, जीरो के करीब में इसको लेफ्ट हैंड साइड में जीरो की ओर ला रहा हूं, तो fx में क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं। जैसे जैसे x जीरो को आए, मान लो x यहां पर है तो fx यहां पर है, x इधर है तो fx यहां पर है, तो तुम ध्यान से देख पा रहे हो जैसे जैसे x जीरो को आ रहा है fx भी जीरो को आ रहा है, यही लिमिट है। जैसे जैसे x जीरो को जा रहा है हमारा जो fx है वो भी जीरो को जा रहा है। अब इसी ये जो इंट्यूटिव चीज है, जो भी चीज हम है, इसको हमने डेफिनेशन के फॉर्म पर, मैथमेटिकल डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना है। तो इंट्यूटिव क्या है, इंट्यूटिव चीज क्या है, इंट्यूटिव चीज क्या है, हमारे पास फंक्शन गिवन है लेट एफ फ्रॉम किसी एक सेट ए से आर में कोई फंक्शन गिवन है, हम किसी एक पॉइंट, यहां पर हमारे पास हम उसको जीरो कह रहे थे, हमारा पॉइंट जीरो था, हम यहां पर एक्स इक्वल टू सी पर लिमिट देखना चाहते हैं,
तो हम कह रहे कि ये जब भी एक्स इक्वल टू सी पर लिमिट क्या होगा इसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब एक्स दिस मीन्स सो वी वन लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू सी. दिस मीन्स जैसे जैसे एक्स सी के करीब जाता जा रहा है ये एफ एक्स किसी पॉइंट के करीब जाएगा, किसी रियल नंबर के करीब जाएगा. और वो रियल नंबर को मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एल. मीन्स एफ एक्स दिस गोज टू एल एज एक्स गोज टू सी. दिस मीन्स दिस एफ एक्स इज एज नियर एज पॉसिबल is as near as possible L whenever X is as near as possible to C but not equal to C. Here yeah, but not equal to C. हम बिल्कुल उसके C के बराबर नहीं हो रहा है लेकिन वो C के बहुत करीब जा रहा है. अब इस इंट्यूटिव नोशन को हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिखना है. तो इसको लिखने के लिए हमें कुछ नोशन चाहिए जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे. जो अभी हमने इंट्यूटिव नोशन देखा लिमिट का, इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिखने के लिए हमें कुछ नोशन चाहिए. सम नोशंस. पहला नोशन है नेबरहुड. नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट. नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट से क्या मीनिंग है? नेबरहुड से क्या मीनिंग है? नेबरहुड मीन्स आस पड़ोस, हमारा पड़ोस. हम यहां पर हैं, मेरा आस पड़ोस मेरे इधर उधर रहने वाले लोग हैं. तो ऐसे ही रियल लाइन में कोई पॉइंट एक्स नॉट है. Let x not be in R. हमारे पास ये रियल लाइन है, यहां पर एक पॉइंट x not है. इसके नेबरहुड से क्या मीनिंग है? इसके नेबरहुड का मतलब मेरे को एक ऐसा इंटरवल मिलेगा a कमा b जिसमें यह x not हो और this means this x naught lies between a and b not equal to. So हमें एक ऐसा open interval मिला जहां पर x naught उस interval के अंदर है. तो इस a b को हम, इस interval a b को हम नेबरहुड कहेंगे. So then an interval a comma b is called नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए कॉमा बी. इसका मीनिंग है दिस मीन्स दैट इज एक्स नॉट इज बिटवीन ए एंड बी. अगर ऐसा होता है तो हम इसे कहते हैं दिस ए बी, दिस इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट. ये इसको और प्रिसाइज हम देखें. इसको हम चाहते हैं कि ये जो एक्स नॉट है, ये जो ए बी है, ये सिमेट्रिक हो, एक्स नॉट से सिमेट्रिक हो. तो इसको और रिफाइन करते हैं, तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे दिस एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर. लेट दिस एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर बी ए पॉइंट बाय ए नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट बाय ए neighborhood of x naught we mean a set n such that x naught belongs to n
एंड दिस एन इज गिवन बाय एंड एन इज गिवन बाय द फॉलोइंग एन इक्वल टू ऑल दोज एक्स इन आर सच दैट वो सारे रियल नंबर जो कैसे हो इस फॉर्म के हो एक्स और एक्स नॉट के बीच की दूरी एक्स और एक्स नॉट के बीच की दूरी ये मॉड जो साइन है ये जो साइन है ये डिनोट करता है एक्स और एक्स नॉट के बीच की दूरी को एक्स नॉट और किसी किसी नंबर एप्सिलॉन किसी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से छोटा हो वेयर दिस एप्सिलॉन इज वेयर दिस एप्सिलॉन इज पॉजिटिव रियल नंबर ठीक है तो ये क्या डिनोट करता है ये क्या ये जो सेट है ये है एक्स और एक्स नॉट के बीच की दूरी और वो हमेशा कैसी है एप्सिलॉन से छोटी अब इसको यहां पर देखते हैं एक फिगर में बना के देखते हैं हमारे पास एक्स नॉट था और हमें वो सारे एक्स चाहिए जिसकी दूरी एक्स नॉट से एप्सिलॉन की एप्सिलॉन हो इसकी दूरी ये मान लो ये एप्सिलॉन है एक्स नॉट से एप्सिलॉन दूरी इधर तो वो आएगा एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन एक्स नॉट से एप्सिलॉन दूरी लेफ्ट साइड में तो वो उससे छोटा होगा और वो क्या होगा एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन और ये जो भी एक्स जो भी पॉइंट रियल नंबर इस एन में है वो सब कहां पर होंगे देखो इस पार्ट में तो इस एन को मैं किससे डिनोट कर सकता हूं दिस इज इक्वल इस एन को अगर हम ये फिगर को ध्यान में रखें तो इस एन को मैं लिख सकता हूं एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन दिस इज ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट नेक्स्ट नेक्स्ट नोशन आता है डिलीटेड नेबरहुड नेक्स्ट नोशन आता है डिलीटेड नेबरहुड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ हमने नेबरहुड देखा इसमें हमने देखा कि कोई पॉइंट एक्स नॉट है एक रियल नंबर और देखे ये वाला जो इंटरवल है इस इंटरवल को हम कहते हैं नेबरहुड एन से डिनोट कर लेते हैं हम इसे इज एन नेबरहुड ऑफ अब हम इसको एप्सिलॉन नेबरहुड कहते हैं इज एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ वेयर दिस एप्सिलॉन डिनोट द लेंथ मींस इस पूरे का लेंथ क्या होगा टू एप्सिलॉन तो हम उसे एप्सिलॉन नेबरहुड कह रहे हैं नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट दिस डिनोट दिस इज एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट ठीक है अब हम क्या करते हैं इस एन में से एक्स नॉट को हटा देते हैं एन में से एक्स नॉट को हटा रहे हैं तो वो क्या बनेगा बताइए तो इसमें इस पार्ट में से हम एक्स नॉट को हटा दे रहे हैं तो ये क्या बना एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स नॉट यूनियन एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन ध्यान से देखें तो इस ये जो सेट हमने लिया ये दो इंटरवल इस इंटरवल में एक्स नॉट नहीं है यहां पर एक्स नॉट नहीं है हम इस सेट को हम कहेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट दिस एन माइनस एक्स नॉट दिस इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट नेबरहुड को शॉर्ट फॉर्म में एनबीडी लिखेंगे हम नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट सो हमने दो दो चीजें पढ़ी एक नेबरहुड और दूसरा डिलीटेड नेबरहुड और क्योंकि हम नेबरहुड हमने पहले देखा कि कोई भी इंटरवल जो एक्स नॉट को कंटेन कर रहा हो उसे हम ओपन नेबरहुड कह सकते हैं दूसरा हमने केस देखा जहां पर हमने सिमेट्री देखी यहां पर सिमेट्री है एक्स नॉट से एप्सिलॉन पार्ट राइट में एक्स नॉट से एप्सिलॉन लेफ्ट में तो ये सिमेट्रिक नेबरहुड है थर्ड वाला हमने देखा कि डिलीटेड नेबरहुड है इसके बाद नेक्स्ट एक नोशन आता है जिसे हम कहते हैं लिमिट
पॉइंट ऑफ ए सेट। ये क्या है देखते हैं। इसको करने से पहले एक एग्जांपल देखें, इस नोशन में जाने से पहले एक हम एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि लिमिट पॉइंट क्या होता है किसी सेट का। हम सबसे पहले एक सेट लेते हैं रियल लाइन में, जिसको हम नोट डिनोट करेंगे ए से। लेट दिस ए इक्वल टू वन, वन बाय टू, वन बाय थ्री एंड सो ऑन। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं हम, वन बाय एन, वेयर दिस एन इज ए नेचुरल नंबर, दिस एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स आर वन टू थ्री एंड सो ऑन, यू नो ऑल दिस। हमने ये सेट लिया और हम देखते हैं कि जीरो एक पॉइंट है। देखो जीरो एक रियल नंबर में जीरो बिलोंग करता है। अब जीरो और इस सेट के बीच में हम रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन है। थोड़ा ध्यान से देखें, अगर हम जीरो का कोई भी नेबरहुड ले, कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड, तो जीरो का एप्सिलॉन नेबरहुड कैसे दिखेगा बताइए। हाँ, जीरो का एप्सिलॉन नेबरहुड दिखेगा जीरो माइनस एप्सिलॉन जीरो प्लस एप्सिलॉन फॉर्म का, वेयर एप्सिलॉन इज पॉजिटिव। और इसको लिख सकते हो तुम माइनस एप्सिलॉन कॉमा एप्सिलॉन। ठीक है, तुमने अपने रियल एनालिसिस के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती थी बताइए, ध्यान याद करो। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहती थी अगर तुम्हारे पास कोई दो नंबर है रियल नंबर, मान लो कोई भी रियल नंबर आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, आर बिलोंग्स टू आर, देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, ध्यान दो, देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर स्मॉल एन सच दैट, हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो कैसा होगा, जो ऐसा होगा वन बाई एन इज लेस देन आर, ये हमेशा मिल पाएगा तुम्हें। ठीक है, यहां पर ये एप्सिलॉन पॉजिटिव था। इस फिर से हम इस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में आएंगे, इस एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट वन बाई एन इज लेस देन आर, वन बाई एन इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ध्यान से देखें, सो फॉर दिस जीरो, फॉर जीरो इन आर माइनस एप्सिलॉन कॉमा एप्सिलॉन इज नेबरहुड ऑफ जीरो एंड बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमारे पास एक नेचुरल नंबर मिला सच दैट वन बाय एन इज लेस देन एप्सिलॉन। ध्यान से देखें, ये वन बाय एन जो भी हमें मिलेगा वो ए का पार्ट होगा, और कोई भी अगर इससे बड़ा एम ले, एम विच इज ग्रेटर देन एन, देन दिस इंप्लाइज वन बाय एम इज लेस देन वन बाय एन। ये हम जानते हैं, हमारे पास एन मिला, हमने उस एन से बड़े कोई भी अगर हम एम नेचुरल नंबर लेते हैं, एम यहां पर नेचुरल नंबर है सच दैट, और ये चीज हमें क्या दे रही है वन बाय एम इज लेस देन वन बाय एन। इसका मतलब एक समय के बाद इस जब भी हमारे पास नेचुरल नंबर एन से बड़ा होगा वो सारे के सारे इस ए के एलिमेंट कहां जाएंगे, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू माइनस, दिस इंप्लाइज वन बाय एम बिलोंग्स टू माइनस एप्सिलॉन कॉमा एप्सिलॉन व्हेनेवर
this m is greater than n. In fact, greater than equal to n. ये हमने बात नोटिस करी. अब ये चूंकि ये एप्सिलॉन आर्बिट्री था, हम रेंडमली चूज एन एप्सिलॉन था, हम कोई भी एप्सिलॉन चूज करें, उसके लिए यहां से हमें इसके इस सेट ए के एलिमेंट्स मिल रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जीरो के हर एक नेबरहुड के लिए हमारे पास ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो उस नेबरहुड में है. तो अगर ऐसी सब प्रॉपर्टी कोई पॉइंट सेटिस्फाई करता है, उस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कहते हैं. तो यहां पर ये जो जीरो है वो लिमिट पॉइंट है किसका, ए का. अब प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं. सो हमने यहां से हमें मिला कि जीरो इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए. अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देते हैं, लिमिट पॉइंट लेट, माना ए कोई भी सबसेट है रियल नंबर्स का, 0. एक्स नॉट इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए. इस एक्स नॉट को हम ए का लिमिट पॉइंट कहेंगे कब, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, कोई भी हम नेबरहुड एक्स नॉट का लें, दिस नेबरहुड एक्स नॉट कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट of A other than X naught. अब mathematically कैसे कहेंगे, mathematically अगर neighborhood को हम n epsilon नाम दें, mathematically this that is for each epsilon positive the epsilon neighborhood, the epsilon neighborhood of x naught, that is which is n epsilon, this contains at least one point. This means this n epsilon intersection A, this is non-empty with, यहां पर देखो ये क्या लिखा है, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स नॉट. एक्स नॉट को हटा के उस एप्सिलॉन नेबरहुड और ए को इंटरसेक्ट कराओ और ये क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी. अगर ऐसा होता है तो ये पॉइंट एक्स नॉट, दिस इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए. अभी हमारे पास पर्याप्त नोशन है अपना लिमिट की डेफिनेशन को डिफाइन करने. अब हम लिमिट को डिफाइन करते हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट सी. देखते हैं कैसे हम डिफाइन कर पाते हैं. अब हम पहली डेफिनेशन में आते हैं, डेफिनेशन ऑफ लिमिट. Let f be a function from a set A to R. ठीक है, and this, so let A, say A naught, be a limit point B
limit point of A. This is the limit point of A. Then we say, that the limit of f at x equal to a naught is L if definition आते हैं देखो ध्यान से हमारे पास एक function था किसी एक set A से R में हमने बोला कि a नॉट कोई एक लिमिट पॉइंट है हमें ये भी मान लेते हैं कि a नॉट एक लिमिट पॉइंट है a का और हम कह रहे हैं कि उस पॉइंट a नॉट पर लिमिट l है फंक्शन की कब a फॉर गिवन सिलेंट पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा positive such that this implies this implies fx minus l is less than epsilon इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं this implies that This is same as this f mod of fx minus l is less than epsilon whenever this happens. ठीक है अब फिर से ध्यान से देखें इसका क्या मीनिंग है इस पार्ट का क्या मीनिंग है इस पार्ट का मीनिंग है जब भी तुम हमारे x बिलोंग करेगा कहां पर a naught minus delta a naught plus delta minus a naught ये पार्ट डिलीटेड नेबर रूट ऑफ ए नॉट था ठीक जब भी हमारा एच इस डिलीटेड नेबर रूट ऑफ ए नॉट में है तो क्या होना चाहिए एफएक्स कहां पर होना चाहिए एफएक्स बिलोंग करना चाहिए एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन दिस इज अनदर ये दूसरा तरीका है कहने का सेम चीज हमने सेम चीज को दो तरीके से कहा ध्यान से देखा है इसी पार्ट को इसी डेफिनेशन को एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहते हैं इसी डेफिनेशन को क्या कहते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यह एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन सबसे पहले बोल्जेनों ने दी थी लेकिन वो बहुत लेट लोगों को पता चला कि बोल्जेनों ने दिया है उससे पहले कोर्स डे एनालिसिस में कौशी ने इसको इस डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करा था तो पहला बोलते ना देन कौशी उन्होंने इसको दिया और हम इसको कहने का तरीका एक तीसरा तरीका है इसको लिखने का तरीका एंड वी विल राइट इट एज लाइक दिस हम ऐसे लिखेंगे लिमिट एफ एक्स एज एक्स गोज टू ए नॉट दिस इज इक्वल टू एल ये जो नोटेशन है इस नोटेशन को हार्डी ने दिया था दिस नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हार्डी सो ये अब ध्यान से देखें तो ये एक गेम है कैसा गेम है तुम मुझे एप्सिलॉन दो मैं तुम्हें डेल्टा दूंगा जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे गुण तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तो यहां पर ये गुण है वो आजादी है तो तुम एप्सिलॉन दोगे तो वो डेल्टा देगा तो ये एक प्लेयर है ये दूसरा प्लेयर है पहले प्लेयर ने एप्सिलॉन दिया फंक्शन के लिए दूसरे प्लेयर ने डेल्टा दिया फिगर से समझते हैं कैसा है, हम क्या कर रहे हैं तो मैं ये नीचे वाला पार्ट मिटा रहा हूं और यहां पर एक फिगर देखते हैं और फिर देखते हैं कैसे So, दो लोग गेम खेल रहे ठीक है एक प्लेयर ए है दूसरा
दूसरा प्लेयर बी होगा। प्लेयर ए को एक फंक्शन दिया गया है कुछ ऐसा, ठीक, और प्लेयर बी को भी फंक्शन दिया है, यही फंक्शन प्लेयर बी के पास भी है, प्लेयर बी सेम फंक्शन, ठीक है, ये सेम फंक्शन दोनों के पास गिवन है। प्लेयर ए ने बोला कि मैं तुम्हें एप्सिलॉन देता हूं, दिस इज माय एप्सिलॉन, दिस इज माय एप्सिलॉन, जो कि पॉजिटिव हम हमेशा ले रहे हैं, ये एप्सिलॉन दे रहे हैं किसी एक पॉइंट पर ए नॉट के लिए, तो ये हमारा ए नॉट था, ए नॉट और फंक्शन दोनों को गिवन है, प्लेयर ए ने एप्सिलॉन दिया, एप्सिलॉन दिया का मतलब ए नॉट है तो यहां पर ये वाला पार्ट एफ ए नॉट होगा ध्यान से, ठीक है, जिसको हम एल कह रहे हैं, जिसको हम एल कह रहे हैं, और उसने एप्सिलॉन दिया, एप्सिलॉन दिया का मतलब कुछ पार्ट दिया उसने एल, एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, ये जो लेंथ है ये एप्सिलॉन है, तो ये वाला पार्ट उसने दिया, बोला कि तुम मुझे डेल्टा दो, ठीक है, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, यहां पर इसको एप्सिलॉन दिया गया ए नॉट पे और बोला गया कि तुम मुझे डेल्टा दो, नॉट था, प्लेयर बी को क्या दे रहे हैं, प्लेयर बी को ये पार्ट, ध्यान से देखें ये जो पार्ट दिया है ये प्लेयर ए ने दिया, अब हमें डेल्टा ढूंढना है, प्लेयर बी को ढूंढना है डेल्टा, वो कैसे ढूंढेगा, तो प्लेयर बी क्या करता है, प्लेयर बी ए नॉट के बिल्कुल करीब एक छोटा सा बहुत छोटा सा पार्ट बनाएगा जिसमें ध्यान से देखें, ये देखो ये वाला पार्ट प्लेयर बी ने दिया, ये प्लेयर बी ने डेल्टा दे दिया, ये वाला पार्ट इसको कहेगा ये ए नॉट प्लस डेल्टा, ए नॉट माइनस डेल्टा, ध्यान से यहां देखें कौन सा वाले, देखो ये वाला पार्ट, तो जब भी हमारा x इस इंटरवल में होगा, ये जो प्लेयर बी ने डेल्टा दिया ए नॉट माइनस डेल्टा ए नॉट प्लस डेल्टा में, यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो f की वैल्यू जाएंगी उन पॉइंट पर, वो कहां पर है, क्यों ये जो अंदर वाला, देखो प्लेयर ए ने ये पार्ट दिया था, प्लेयर बी ने डेल्टा दिया और बोला कि कोई भी तुम x उठाओगे वो इस l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा fx की वैल्यू, और वो है ध्यान से देखेंगे तो वो यहां पर है, तो प्लेयर बी ने कहा नो प्रॉब्लम हियर इज माय डेल्टा, तो प्लेयर बी ने डेल्टा दिया, तो इसका मतलब दिस फंक्शन एफ एक्स हैज लिमिट एल एट एक्स इक्वल टू ए नॉट, मीन जब एक्स ए नॉट को जा रहा है तो वो एफ एक्स एल को जा रहा है, दिस इज ए गेम, तो अब तुम समझ गए होंगे, अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसे ये डेफिनेशन को अप्लाई करना है एग्जाम्पल्स में, सो हम लिमिट पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
बहुत इजी से एग्जांपल है। सबसे पहले एग्जांपल इजीएस्ट एग्जांपल, फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू टू, एक कांस्टेंट ले लेते हैं, टू एक कांस्टेंट है। कैसा इसका ग्राफ बनेगा तुम थोड़ा सा देख लेते पहले। एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, यहां पर वन, ये टू, तो एफ एक्स इक्वल टू टू। इस फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज टू। अब देखते हैं किसी एक पॉइंट एक्स से कोई एक पॉइंट सी पर लिमिट एक्स गोज टू सी एफ एक्स इक्वल टू टू, ऐसा देखते हैं बाय डेफिनेशन। तो क्या करना है, सबसे पहले एक एप्सिलॉन देना है, गिवन पॉजिटिव एप्सिलॉन, हमें डेल्टा ढूंढना है। तो हमें ये गिवन है, लेकिन डेल्टा कैसे ढूंढेंगे, यूजिंग दैट पार्ट। कौन सा पार्ट, दिस एफ एक्स माइनस एल, एल यहां पर हम कह रहे टू है, इसको कंसीडर करो, कंसीडर दिस पार्ट। सो एफ एक्स माइनस टू इक्वल टू कितना बना बताओ, दिस इज टू माइनस टू, और ये हमें से क्या है, जीरो है। और यहां पर जो डेफिनेशन थी वो क्या कहती थी, एफ एक्स माइनस एल दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, और ये लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, जब भी एक्स माइनस सी जो है वो पॉजिटिव हो, मॉड ऑफ एक्स माइनस सी पॉजिटिव हो और डेल्टा से छोटा हो। तो अब यहां पर तुम कोई भी डेल्टा लो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी मींस दिस एप्सिलॉन, कोई भी तुम डेल्टा लो वो डेल्टा वर्क कर जाएगा। सो देन सो फ्रॉम दिस पार्ट, क्योंकि ये हमेशा ये जीरो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा, कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन दिया उससे छोटा हो गया, और x माइनस हमें क्या चाहिए, x माइनस सी, तो x माइनस सी में कोई सा भी अगर हम डेल्टा लें तो वो काम करेगा। तो यहां पर क्या लेंगे, चूज एनी डेल्टा पॉजिटिव, इट विल वर्क। वी हैव x माइनस सी implies fx minus 2 is less than epsilon। अगर इसको फिगर में देखना है कैसे देखें, यहां पर मान लेते c है, तुमने epsilon दिया कुछ भी, कोई भी epsilon दिया, ये पार्ट epsilon का है, ठीक है। अब तुम डेल्टा कोई भी चूज करो, मान लेते हम डेल्टा 1 चूज करते हैं, तो c minus 1 c plus 1, जब भी c माइनस वन c प्लस वन, जब भी तुम्हारा x यहां पर है एफ एक्स इधर होगा, ये इसके अंदर इस स्ट्रिप के अंदर, और वो है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लिमिट x गोज टू c एफ एक्स इक्वल टू टू। ये बहुत इजी एग्जांपल था, इससे थोड़ा सा हार्ड दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वो भी इजी है। अब यहां पर एफ एक्स इक्वल टू टू नहीं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स देखते हैं, उस केस में क्या होता है, फिगर चेंज हो जाएगा। और हमें यह दिखाना है, अगर हम फिगर देखें कैसे, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स किस फॉर्म का होता है, उसका ग्राफ ऐसा होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक लीनियर फंक्शन है गिवन बाय दिस लाइन, कोई पॉइंट सी पर हमें इसकी लिमिट देखनी है, ठीक है। फिर से वही करना है, गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, हमें डेल्टा दिखाना है, तुमने मुझे एप्सिलॉन दिया, मैंने तुम्हें डेल्टा देना है, गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, और वो डेल्टा कैसे देंगे, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इस पार्ट को लो,
this fx minus c. Fx equal to x, g equal to x minus c. अब देखो ये हमें जो डेल्टा था वो क्या था, डेल्टा कैसा होना चाहिए, डेल्टा शुड बी जीरो लेस देन मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा था। अब यहां पर एफ एक्स माइनस सी जो है वो एप्सिलॉन से छोटा लेना है, अगर हम इस डेल्टा को एप्सिलॉन ही ले लेते हैं तो भी हमारा काम बन गया। तो यहां से हम देखते इधर से हमें मिला टू एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा, ठीक है, हम डेल्टा को एप्सिलॉन से छोटा भी ले सकते हैं, डेल्टा अगर हमने एक बार फिक्स कर दिया उससे छोटा कोई भी डेल्टा काम करेगा। अब यहां पर हमने एप्सिलॉन चूज करा डेल्टा को, अगर हम इस डेल्टा को इस एप्सिलॉन से कोई भी छोटा नंबर चूज करते तो भी हमारा काम बन जाता। इस डेल्टा को एप्सिलॉन चूज करने पर क्या हुआ, हमें यह मिला वी गेट व्हेनेवर this x minus mod of x minus c is less than delta, you will get fx minus c is equal to x minus c. अब ये x minus c किसके छोटा है, डेल्टा से छोटा है, और उसको हमने किसका माना है epsilon के बराबर, this is less than delta and which is equal to epsilon and that's the definition and this shows limit x goes to c fx equal to c। बहुत इजी एग्जांपल था, इससे थोड़ा सा हार्ड एक एग्जांपल चलते हैं फिर से, वो भी इजी है लेकिन थोड़ा सा उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कैसा करना है। fx equal to say x square, तो हमारा ग्राफ चेंज हो जाएगा, एक काम करते हैं हम किसी एक पॉइंट पर देखते हैं, fx इक्वल टू मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 3 पर देखते हैं, fx इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9 आनी चाहिए, ठीक है, और यहां पर देखते हैं ये ऐसा कुछ है, ठीक है जी, 3 है, 3 पर वैल्यू 3 थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, यहां पर 3 है और ये यहां पर कहीं पर जाके आ रहा है, ये नहीं, तो हमें ये प्रूव करना है लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 9 एज एक्स इक्वल टू 3, फिर से वही प्रोसेस करनी है, तुमने हमें एप्सिलॉन दिया गिवन पॉजिटिव एप्सिलॉन, मेरा काम है मैं तुम्हें डेल्टा दूं, मैंने तुमने मुझे एप्सिलॉन दिया, मेरा काम है कि मैं तुम्हें डेल्टा दूं, तुमने मुझे ये चीज दे दिया, यहां पर ध्यान से देखें तो तुमने मुझे ये वाला पार्ट दे दिया, ठीक है, ये दे दिया तुमने, तुमने बोला कि 9 प्लस एप्सिलॉन 9 माइनस एप्सिलॉन, तुमने ये पार्ट मुझे दिया और मुझे बोला है कि मैं अब तुम्हें एक ऐसा पार्ट डेल्टा दूं, यहां पर जब भी मेरा एक्स उस इंटरवल में होगा डेल्टा इंटरवल में तो एफ की वैल्यू इस पार्ट में होनी चाहिए, ठीक है, तो फिर से सेम प्रोसेस करते हैं, कंसीडर दिस पार्ट एफ एक्स माइनस 9, एफ एक्स इक्वल टू कितना बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहां पर तुम जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो तो ये क्या आएगा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। यहां से आप थोड़ा सा देखो पहले से चेंज आ गया, पहले वाले केस में हमारे पास x माइनस 3 केवल आ रहा था, x माइनस सी वहां पर हमने लिया, लेकिन यहां पर एक और उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया एक और पार्ट जिसे मॉड ऑफ x प्लस 3, अगर मैं इस मॉड ऑफ x प्लस 3 को कुछ ट्रिक से मैं इसको कुछ बाउंड दूं और ये ऐसा बन जाए कि मॉड ऑफ x माइनस 3 के फॉर्म में आ जाए तो मेरा काम बन गया, तो ये चीज मेरा दिक्कत कर रहा है, तो इसके इसके लिए हम देखते हैं कैसे कर पाते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 को, ठीक है,
इस पार्ट को मैंने हटाना है और मुझे कैसे केवल चाहिए, मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री में केवल चाहिए, ठीक। और मैंने तुम्हें ये बोला कि मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री अगर डेल्टा बहुत छोटा है, डेल्टा बहुत छोटा है तो वो इतना छोटा कि वो थ्री के बिल्कुल करीब हो, डेल्टा बहुत छोटा है तो वो हमेशा काम करेगा, तो हम इसका यूज करेंगे। देखो कैसे, यहां पर एक इनइक्वालिटी का यूज करते हैं, एक्स प्लस थ्री दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस थ्री, इसको कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यहां से हमें ये मिला। लेकिन फिर से मेरे पास ये मॉड एक्स कुछ गड़बड़ कर रहा है, इस मॉड एक्स को हमने संभालना है, तो इस मॉड एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मॉड एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, देखो तो मॉड एक्स बना। फिर से यहां पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करी, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस प्लस थ्री, मॉड ऑफ थ्री आएगा, मॉड ऑफ थ्री क्योंकि थ्री पॉजिटिव है तो वो थ्री का, ठीक। अब फिर से मैं खुद से चूज करने के लिए हम ये चूज कर सकते, देखो मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री जो है, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री एज्यूम दिस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इज लेस देन वन, हमें डेल्टा पॉजिटिव कुछ चाहिए और हम उसको वन से छोटा ले लेते हैं। मॉड ऑफ, जब मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री लेस देन वन होगा तो यहां से क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन, बोलो थ्री प्लस वन फोर, ठीक है। तो हमें क्या मिला अभी, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन फोर, ओके। सो हम यहां से लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस नाइन दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस थ्री इंटू मॉड एक्स माइनस थ्री, मॉड एक्स माइनस ये जो है फ्रॉम हियर दिस इज मॉड एक्स प्लस थ्री एंड दिस मॉड एक्स माइनस थ्री, यहां ठीक है। और यहां से मेरे पास मॉड एक्स इज लेस देन फोर है, दिस मॉड एक्स इज लेस देन फोर विच इज, अब ये दोनों मिलकर कितना आ गया, फोर दिस इज लेस देन फोर प्लस थ्री सेवन मॉड एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब ये वाला पार्ट वो कहते हैं कि लेस देन एप्सिलॉन है, तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि मैंने मॉड एफ एक्स माइनस नाइन जो है वो एप्सिलॉन से छोटा। अब मैं डेल्टा चूज कर सकता हूं, नाउ आई कैन चूज माई डेल्टा, नाउ आई कैन चूज माई डेल्टा, और वो डेल्टा क्या होगा, देखें कैसे दे पाएंगे डेल्टा को, डेल्टा इक्वल टू यहां से अगर इस पार्ट को हम देखें, दिस सेवन इंटू मॉड एक्स माइनस थ्री इज लेस देन एप्सिलॉन, हमें मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री लेस देन डेल्टा चाहिए, तो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री लेस देन एप्सिलॉन बाय सेवन एक कैंडिडेट बनता है, डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाय सेवन एक कैंडिडेट बनता है, तो मैं डेल्टा को क्या लेता हूं, और एक हमने यहां पर एज्यूम करा हुआ कि एक्स माइनस थ्री लेस देन वन है, तो हम इन दोनों में से जो भी छोटा हो उसको ले लेते हैं, मिनिमम ऑफ वन कॉमा एप्सिलॉन बाय सेवन, जो भी कैंडिडेट सुटेबल होगा, अगर ये वाला पार्ट वन से छोटा है तो हम इसे लेंगे, अगर वन इससे छोटा है तो हम वन को ले लेंगे, ठीक है। नाउ चूज दिस डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ वन कॉमा एप्सिलॉन बाय सेवन, व्हाट वी गेट, वी गेट जीरो एक्स माइनस थ्री लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस नाइन लेस देन एप्सिलॉन, विच इज सेम एज जो कि ये कहने के लिए पर्याप्त है, तो हम प्रूव कर चुके हैं क्या, लिमिट
x goes to 3, fx equal to 9. अब तुम्हारे लिए होमवर्क में है, ये सब आप लोग करेंगे fx क्यूब के लिए. एट 3 दिस इज इक्वल टू 27, ये होमवर्क. ठीक है.